हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाशमा स्टाइल्स। सो गाइस, आज मैंने एक रोज़ गोल्ड ग्लिटर आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको मेरा ये न्यू लुक पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है एन बाय बे का प्राइमर। ये एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल रेंज का प्राइमर है। ये जहाँ भी मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरे मेकअप को लॉन्ग स्टे करने में हेल्प करेगा। अब मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये भी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके अब ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। हमें अपने मेकअप करते वक्त अपने बेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगता है। अब मैं यहाँ कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर। जहाँ भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, डार्क एरियाज़ हैं, पिगमेंटेशन है मुझे और डार्क स्पॉट्स हैं या मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं जैसे कि मेरी नोज़, वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने मेकअप को हाई कवरेज देने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर स्टिक। ये जहाँ भी मेरे डार्क एरियाज़ हैं और जो भी मेरा हाइलाइटिंग पोर्शन है वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाय बे का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मैं अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी ताकि मुझे कोई भी क्रीसिंग की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं लैक्मे का 925 लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आइज़ को बेक करने के लिए और जो मेरा हाइलाइटिंग पोर्शन है जैसे मेरी जॉ लाइन उसे हाईलाइट करने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्राउज़ को कॉम कर लूँगी और एक एंगल ब्रश से ब्लैक शेड लेकर अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। अब एक ब्रश की हेल्प से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे मैं इवन कर लूँगी। अब मैं कंसीलर लूँगी अपनी आईब्रोज की एजेस को शार्प दिखाने के लिए और इसे अप्लाई करके मैं इसे एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम अपने आई मेकअप को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी आईलिड का बेस तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी और एक ब्यूटी स्पॉन्ज से उसे ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं लूज़ पाउडर लूँगी और अपनी आईलिड को सेट कर लूँगी ताकि मुझे कोई भी क्रीसिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, उसे अपनी पूरी आईलिड पर प्लेस करके ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक डार्क शेड ले रही हूँ और उससे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ और पूरे उसमें सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करती जा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में भी ले जाऊँगी ताकि एक विंग बन जाए। अब मैं एक ब्लैक शेड लूँगी और उसे अपने आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन में ले जाके सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके सारे कलर्स को ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड पिगमेंट लूँगी। बिलीव मी गाइस, ये एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल रेंज का लिक्विड पिगमेंट है और इसका एप्लीकेटर जो ये ब्रश एप्लीकेटर है इससे बहुत ही इजी हो जाता है अप्लाई करना। तो मैं इसे अपनी हाफ आईलिड पर प्लेस करूँगी। ये सेम मैं अपनी दूसरी आईलिड पर भी हाफ आईलिड पर प्लेस करूँगी इसे और एक स्मॉल ब्रश से जितने भी मेरे कलर्स जो हैं वो मिस हो गए उन्हें दोबारा मैं एक बार ब्लेंड करूँगी। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से जो भी मेरे फॉल आउट हुए उसे रिमूव करूँगी। इसके बाद मैं अपनी एजेस को शार्प करने के लिए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उससे मैं जो भी हार्श लाइंस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और एक ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक लाइनर ले रही हूँ, इसे थिक विंग लाइनर में ड्रॉ कर लूँगी और अब मैं यहाँ पर एन बाय बे का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करने से हमारी आईज़ जो होती हैं वो बहुत ओपन अप लगती हैं तो इसे मैं अपनी वाटर लाइन पर यूज़ कर रही हूँ।
इसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। और अपनी ब्रो बोन को अब मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ओम्ब्रे ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने चीक्स पर, अपने फोरहेड पर, नोज पर अप्लाई करूँगी। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी अपनी अपर लैशेस पर और लोअर लैशेस पर, दो तीन कोडर्स के। अब मस्कारा लगाने के बाद मैं अपनी लैशेस को कर्ल आउट कर लूँगी। अब मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ नेविया की चेरी शाइन लिप बाम। इसके बाद मैं NYB की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का पिंक शेड। और ये थोड़ी मुझे ब्राइट लग रही थी, इसलिए मैंने ये NYB की जो बुलेट लिपस्टिक है वो यूज़ करी है थोड़े अपने शेड को डार्क करने के लिए। सो गाइज, हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये न्यू लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है आपसे उतना मेरी वीडियो को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।